आर्यम आर्यम गुरुदेव, मैं दीपाली। मेरा एक सवाल है कि आस्था और विश्वास में क्या अंतर है? दीपाली का प्रश्न है कि आस्था और विश्वास दोनों में क्या फर्क है। दरअसल आस्था का अगर अभिनय नहीं है तो वह चिरस्थायी होती है, सदा सर्वदा रहती है, सदा सर्वदा के लिए होती है। और आस्था अधिकांशतया हम अपने आराध्य के प्रति करते हैं, या अपने इष्ट देव के प्रति करते हैं, या अगर समग्र अर्थों में देखें, सच्चे अर्थों में देखें, तो आस्था हम परमात्मा के प्रति करते हैं। लेकिन विश्वास हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, विश्वास हम किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। विश्वास सजीव चीज़ों में भी हो सकता है और निर्जीव चीज़ों में भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ईश्वरीय तत्वों की बात करते हैं तो चाहे सारी प्रकृति हो, चाहे प्रकृति के अवयव हों, चाहे पांचों तत्व हों, चाहे आत्मा और आत्मा से संबंधित जितने भी अवयव हैं वो हों, उन सब में जब हम आस्था रखते हैं तो अंततः परमात्मा में ही आस्था रखते हैं। विश्वास तो आपका मुद्रा में भी हो सकता है, विश्वास तो आपका पैसे में भी हो सकता है और होता है। हम किसी कागज़ के टुकड़े को ये उसमें मान्यता रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तभी तो उसको मुद्रा के चलन मुद्रा के रूप में हम मानते हैं। और कभी कोई भी देश का प्रमुख या कोई भी जो अधिकृत सिग्नेचरी है, जो अधिकृत हस्ताक्षरी है, वो इस बात में परिवर्तन कर सकता है। जैसा नोटबंदी के समय में हुआ, गवर्नर लिखता ना उस पर कि मैं इस धारक को, इस नोट के धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, तो वचन भंग हो सकता है। लेकिन आस्था बहुत गहरी बात है। ज़्यादातर समाज में आस्था का प्रचलन ज़्यादा है, आस्था का दिखावा ज़्यादा है, आस्था होती कम है, दिखाई और प्रदर्शित ज़्यादा जाती है। इस वजह से कभी कभी हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो विश्वास आपका व्यक्ति के लिए हो सकता है, लेकिन आस्था आपकी विचार में हो सकती है, आस्था आपके व्यक्तित्व में हो सकती है, आस्था आपकी परमात्मा के तत्व में हो सकती है। विश्वास अस्थिर है, अस्थाई है, आस्था निरंतर है, आस्था अनवरत है और अंततः आपको आपके सही गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य भी करती है। और जो आसक्ति सिद्धि है वो आस्था का ही अंतिम स्वरूप है। जो आसक्ति सिद्धि प्राप्त होती है वो आस्था की ही ग्रेडिंग है, जिसको पार करते करते हम वहाँ तक पहुँचते हैं। और आस्था हमारे कहीं ना कहीं गहरे सरोकारों और संस्कारों से भी जुड़ी होती है। ओम स्वस्ति अस्तु।